हेलो दोस्तों, दिनेश केवरा लर्न न्यूमरोलॉजी विद दिनेश केवरा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आपके लिए है, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके द्वारा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लाइफ को बेहतरीन, डायनामिक और वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी इस कार्यक्रम के द्वारा। आज बात कर रहे हैं हम बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 7, यानी कि बीडी नंबर 1 और 7। बर्थ नंबर, जैसे कि मैं हर एपिसोड के अंदर बताता हूँ कि सिर्फ जो आपकी तारीख होती है, जो डेट होती है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अभी आप 26 तारीख को पैदा हुए, तो सिर्फ तारीख का जो जोड़ होता है 2 और 6 8, यानी कि आपका बर्थ नंबर, मूलांक नंबर या पर्सनैलिटी नंबर हो गया 8। और अगर इनके अंदर मंथ और ईयर भी जोड़ दिया जाए तो फिर आपका पूरा नंबर आता है, जिसको डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर या कई बार लक नंबर भी कहते हैं। हम इसको डेस्टिनी नंबर कहेंगे। तो ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं, खास तौर से हमारे बर्थ नंबर के अंदर, तो भाग्यांक नंबर जो होता है वो उसको पूरा करता है या कॉम्पनसेट भी कर देता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आज बात करेंगे बीडी नंबर 1-7 की, यानी कि बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 7, यानी कि वो सारे व्यक्ति जो किसी महीने की 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, यानी कि 1, 10, 19 और 28, उनको ये सूट करेगा। उसके बाद उनको ये चेक करना है कि हाँ, उनका जो खास तौर से डेस्टिनी नंबर या लक नंबर क्या है। अगर वो 7 पे आता है, पूरा जोड़ डेट का, डेट मंथ एंड ईयर का 7 पे आता है, क्योंकि आपको हर चीज़ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, तो उसका तरीका मैं पहले कई एपिसोड से बता चुका हूँ। तो फिर ये आपके लिए है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अपने मित्रों को आगे भेजिएगा, बताइएगा, इसके लिंक्स भी भेजिएगा। और ये चैनल तो आपका है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत सारे और आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अब ये कॉम्बिनेशन होता है बीडी नंबर 1-7 का, जहाँ पे आप सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, सूर्य और केतु, केतु यानी कि नेपच्यून, ये बड़ा एक स्पिरिचुअल टाइप का कॉम्बिनेशन है। सूर्य भी राजा भी है, ब्लंट भी है, ऑनेस्ट भी है, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर वाला भी है, लीडरशिप भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी हैं। लेकिन जो 7 नंबर, जो केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। ये एक ऐसा नंबर जो साधु संतों का, जो स्पिरिचुअल आउटलुक वाले लोग होते हैं, जिनका रिलीजियस बेंट होता है, जो चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। कई बार लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, या एक कहा जाए तो लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इसका नेचर कैसा है, थोड़ा सा वियर्ड है या अनरीजनेबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दुनिया बसाई होती है, जिसके कारण से कई बार शादीशुदा जिंदगी में उनकी एक कुछ ना कुछ खलल पड़ जाता है और वो सफ़र कर जाते हैं उसके अंदर। तो मैरिटल लाइफ के अंदर उनकी कई बार तकलीफें होती हैं, क्योंकि दरअसल वो स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा जीते हैं और मटीरियल लेवल पर कम जीते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं, खासतौर से इस कॉम्बिनेशन के साथ में, वो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे मेटल के साथ हो या फायर के साथ हो, या कुछ केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हों। तो इन चीज़ों के साथ ये लोग जुड़े रहेंगे तो खास तौर से इनको फ़ायदा हो जाता है। गवर्नमेंट के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में तो आएंगे आएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जुड़े हैं, इसलिए उनको ब्लू जो कलर है, ग्रीन कलर्स हैं, या आपके ऑरेंज हैं, लाइट क्रीम कलर है, येलो कलर से ही इनको सूट करते हैं। तो जहाँ तक अगर आपका नाम इन नंबरों के ऊपर नहीं आ रहा है खासतौर से, तो इनको जो 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर हमेशा ही फेवरेट करते हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशंस जो उनको फेवर करेंगे नाम को उचित नंबर पर लाने के लिए, या बिजनेस के जो नेम है उसको उचित नंबर पर लाने के लिए, तो वो नंबर मैंने साइड में दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका नाम उचित नंबर पर आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपकी जो डायनामिज्म है और जो वाइब्रेंस है वो बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं आपका जो उसके बाद जो नाम है वो आपकी नई अपार लगा देगा, आपको नए नए ऑब्जेक्टिव्स, नए नए गोल्स की ओर लेके जाएगा, नए अवसर प्रदान करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा, नए कमिटमेंट पैदा करेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शुरुआत करेगा। ये निराशा से आशा की ओर लेके जाएगा, ये कुछ आपके लिए ऐसा करेगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर है एनर्जी। इसको आप करके देखिएगा, और इस प्रोग्राम के अंदर ही बताया जा रहा है कि कैसे नाम चेंज भी किए जा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत एपिसोड्स आएंगे जहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे आपसे ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ये 1 नंबर और 7 नंबर, यानी कि बीडी नंबर 1-7 का ये था छोटा सा विवरण। आशा है आपको पसंद आया होगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। कुछ फीडबैक मिल रही है, कुछ मेल्स मिल रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने पूछा है कि मेरा नाम ठीक नंबर पर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन दैट्स अ प्रोफेशनल फी बेस्ड वर्क एक्चुअली। तो अभी एडवाइस तो आपको फ्री की मिल रही है यहाँ पर, लेकिन जो बाकी जो कंसल्टेशंस हैं वो हमेशा प्रोफेशनल होती हैं। तो
मेरी इल्तिजा यह है कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, और बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे और आने बाकी हैं, देखिएगा। और देखिए, बहुत जल्दी आप भी एक दिन अंक शास्त्री यानी कि न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, दिनेश के वोरा के साथ, लर्न न्यूमरोलॉजी विद दिनेश के वोरा। फीडबैक देते रहिएगा, और ये चैनल है आपका, देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।